दोस्तों TNPL का 11वां मैच CSG वर्सेस DD के बीच में आज यहां पे 3:15 पे खेला जाएगा। वेन्यू सेम रहेगा, यहां पे NPR क्रिकेट ग्राउंड डिंडीगुल में मैच होने वाला है। और यहां पे टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चारों में क्या हो रहा है। यहां पे मैंने बोला था कि फर्स्ट इनिंग में यहां पे ऑल आउट हो सकती है टीम, और यहां पे ऑल आउट हो रही है। 2 मैचों में टीम ऑल आउट हुई, एक में यहां पे 9 विकेट गिरा था, दूसरे में यहां पे 8 विकेट गिरा था। और सेकेंड इनिंग की जो टीम है यहाँ पे विन कर जा रही है आसानी से मैच को, और यहाँ पे इसके विकेट हैं 2-3 गिर रहे हैं बस। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है उसकी टीम ऑल आउट हो जा रही है। यहाँ पे कोई भी टीम हो, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो टीम यहाँ पे बैटिंग करेगी वो ऑल आउट हो सकती है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच है यहाँ पे बॉलिंग बिहेवियर, यहाँ पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलने वाला है, पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है, 130 प्लस माइनस यहाँ पे रन बन सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लिए, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम में जाकर @fantasy का सर्च करना है, आपके सामने एक चैनल दिखेगा सेम यूजर नेम के साथ, उसको सब्सक्राइब कर ले, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं रिसेंट मैचेस की, तो रिसेंट मैचेस दोनों टीमों के देख लें। यहाँ पे CSG ने टोटल 5 में से 4 विन किए हैं, और यहाँ पे DD की टीम ने टोटल 5 में से 3 लॉस किया है, 2 विन किया है। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में टोटल 5 मैचेस यहाँ पे CSG की टीम ने विन किया है, DD ने 0 मैच विन किया है। यहाँ पर भी लग रहा है CSG यहाँ पे विन करने वाली है इस मैच को। प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे CSG के प्लेइंग 11 देख लेते हैं। CSG के प्लेइंग 11 यहाँ पे PR पॉल यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उनके लास्ट 3 मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पे आपके सामने है। फर्स्ट मैच में 88 रन, सेकेंड में 25 रन, और यहाँ पे थर्ड में 6 रन। उसके बाद एन जगदीशन यहाँ पे इनका भी 3 मैचेस का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। बी अपराजित यहाँ पे 3 मैचेस का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। हाँ, बी अपराजित यहाँ पे तीसरे नंबर पे बैटिंग भी कर रहे हैं प्लस बॉलिंग भी करा रहे हैं, आपके लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे। यश यादव यहाँ पे देख सकते हैं उनके 3 मैचेस के स्कोर कार्ड। SH कुमार रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पे 5वें नंबर पे, या फिर 4थे नंबर पे आपके लिए बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस यहाँ पे बॉलिंग भी करा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ से आर सतीश है, यहाँ पे आर सतीश का 2 मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यू शशिदेव यहाँ पे 1 मैच खेले थे, उनका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। आर शाह यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस में क्या विकेट लिए हैं, इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, इनको आपको पिक करना चाहिए। आर रोहित यहाँ पे 3 मैचेस के रिकॉर्ड फ्लॉप है, इनको आप ड्रॉप कर दें। MC रामबसरन का भी रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। MB अरुल का भी यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, फर्स्ट मैच में 2 विकेट, उसके बाद यहाँ पे 0-0 विकेट। बी रॉक यहाँ पे 2 मैच खेले, फर्स्ट में 2 विकेट, सेकेंड में 0 विकेट, और लोकेश राज यहाँ पे 3rd मैच खेले हैं उसमें 1 विकेट लिए थे। तो ये ओवरऑल जो CSG का यहाँ पे प्लेइंग 11 है उसके हिसाब से इसका स्कोर कार्ड है, लास्ट 3 मैचेस में क्या स्कोर कार्ड रहे हैं सबके, और प्लस प्लेइंग 11 इसी अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पे, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करने वाले हैं। तो ये जो प्लेइंग 11 है सेम रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, 1-2 चेंजेस ऊपर नीचे बस होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे DD के प्लेइंग 11 की, DD के प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो DD ने यहाँ पे 2 मैचेस खेले हैं, उसके बैट्समैन क्या स्कोर कार्ड किए हैं, तो यहाँ पे SNS ने लास्ट 2 मैचेस में क्या स्कोर किया है आपके सामने है। वी कुमार ने क्या स्कोर किया है, बी इंद्रजीत ने यहाँ पे क्या स्कोर किया है, बी इंद्रजीत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे पिक रहेंगे। ए गणेश का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, यश कुमार सी का देख सकते हैं आप, एस भाटी अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, फर्स्ट मैच में 2 विकेट, सेकंड में 3 विकेट। आर अश्विन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट में 2 विकेट, सेकंड में 1 विकेट। PS कुमार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट में 2 विकेट, सेकंड में 3 विकेट। बी कुमार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, MM को आप ड्रॉप कर सकते हैं। वी चक्रवर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यस अरुण आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। तो ये जो प्लेइंग 11 है DD की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मैचेस खेले हैं, इनके बैट्समैन क्या स्कोर किए हैं, प्लस यहाँ पे बॉलर्स ने कितने क्या विकेट लिए हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम में आप रख सकते हैं। बट DD की टीम इस मैच को हार सकती है अगर यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करती है तो, बट इसके बॉलर्स जो हैं थोड़ा तगड़े हैं, यहाँ पे आर अश्विन हैं, बाटी हैं, इंद्रजीत हैं, PS कुमार हैं, वी चक्रवर्ती हैं, जो इस मैच को विन भी करा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो ज़्यादा जीतने के चांसेस इनके रहेंगे। बात करते हैं गुड प्लेयर की, गुड प्लेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे वी चक्रवर्ती, अश्विन, अपराजित, इंद्रजीत, श्रवण कुमार, SH कुमार, यश यादव, आर शाह, यश भाटी, ये जो प्लेयर हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, गुड प्लेयर हैं, आपको कभी भी अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे, इनको अपनी टीम में आप जरूर रखें, अच्छे खासे पिक रहेंगे आपके लिए।
एवरेज प्लेयर देख लेते हैं यहाँ पे, यश सिंह, यश पी आर पॉल एंड जगदीशन, यश शिव, मथिवनन, एम वरुल, ये जो प्लेयर हैं एवरेज है, इनमें से एक दो प्लेयर रख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई उतना खास नहीं है, आप चाहे तो ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। यहाँ पे बैड प्लेयर की बात करें, नॉट इन फॉर्म जो फॉर्म में नहीं है, यू शशिदेव, अरुण, सिलामसरन, रोहित कुमार, एम, ये जो प्लेयर हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ड्रॉप करके आप चल सकते हो। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, किसको किसको बना सकते हैं, बी अपराजित, अश्विन, इंद्रजीत, चक्रवर्ती, ये जो प्लेयर हैं चार प्लेयर, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ SL में यहाँ पे, और GL में ज़्यादा इनको रोटेट करके चलो। CS वर्सेस DD के बेच में यहाँ पे देख सकते हैं 39 में यहाँ पे 20% बोनस यूज हो रहा है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले GL को, यहाँ पे ग्रैंड लीग की मैं टीम आपको देने वाला हूँ, तो उससे ज्वाइन कर ले। नीचे देख सकते हैं 20% बोनस, 10% बोनस, आप चाहें तो इनको भी ज्वाइन करके खेल सकते हैं। कम स्पोर्ट्स है प्लस यहाँ पे 20% बोनस यूज हो रहा है, तो आप आसानी से विन कर जाओगे, करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे 5000 वाली जो लीग खेलते हैं आप हेड टू हेड की, तो सिर्फ यहीं खेले, आपके यहाँ पे एंट्री फीस में बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और आपके यहाँ पे 10000 विन हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो हेड टू हेड की लीग सिर्फ यहीं पर खेलो, या कि आप बात करें स्टेट्स फैंटेसी की, स्टेट्स फैंटेसी अगर नहीं खेलना है तो खेलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे 100% आपको विनिंग होने वाली है। स्टेट्स फैंटेसी को क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएंगे, यहाँ पे किसी भी आपको क्लिक करना है, प्ले नाउ पे क्लिक कर देना है, उससे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, अंदर भी आप प्ले नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है और दोनों क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पे दोनों सही है तो ट्रू पे क्लिक कर देना है, अगर इसमें से एक भी गलत है या फिर दोनों गलत है फाल्स पे क्लिक करके कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेना है। अब बात करेंगे लूडो की, लूडो नहीं खेलते हैं तो सिर्फ यहाँ पे खेले बल्लेबाजी पे, किसी अदर ऐप को डाउनलोड ना करें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑफर हैं आपको जीतने के, यहाँ पे जाके अच्छे से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके हेड टू हेड की यहाँ पे लूडो खेल सकते हैं। इंस्टेंट यहाँ पे विड्रॉल भी होगा, जाके जल्दी से यहाँ पे बल्लेबाजी को यहाँ पे डाउनलोड कर ले। अब बात करें स्मॉल लीग की टीम की, तो स्मॉल लीग टीम देख ले, यहाँ पे बी इंद्रजीत को मैंने यहाँ पे रखा है विकेट कीपर सेक्शन में, यश यादव, अरुल सिंह को मैंने यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में रखा है, अपराजित यहाँ पे हैं, SS कुमार, अश्विन, PS कुमार, चारों इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडिंग सेक्शन में सार रहेंगे वी चक्रवर्ती, यश भाटी, ये बॉलिंग सेक्शन में तीन बॉलर रहेंगे। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, यहाँ पे कैप्टन मैंने अपराजित को बनाया है, SS कुमार को यहाँ पे VC बनाया है, आप इससे यहाँ पे जाके हेड टू हेड की जो लीग है उसको ज्वाइन कर ले और खेलना स्टार्ट कर दे, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है। बात करते हैं GL की टीम ओन की, GL की टीम ओन देख लेते हैं यहाँ पे, तो GL की टीम ओन यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैंने बी इंद्रजीत को रखा है, एस सिंह है, एस यादव हैं, यू शशिदेव हैं बैटिंग सेक्शन में, अश्विन है, PS कुमार है, अपराजित, SS कुमार हैं, भाटी हैं, शाह हैं, चक्रवर्ती हैं। यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे रोटेट किया है, यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अपराजित को बनाया है, कैप्टन VC बनाया अश्विन को, और यहाँ पे कुछ प्लेयर हैं, यहाँ पे ट्रंप हैं जो आपको विन करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारी GL की टीम वन है, GL की टीम वन से आप जाके यहाँ पे GL की लीग है 39 वाली, और यहाँ पे बहुत सारी लीग चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी GL की टीम वन है। अब बात करते हैं GL की टीम टू की, GL की टीम टू देख लेते हैं यहाँ पे, तो GL की टीम टू को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बी इंद्रजीत को मैं यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में रख के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो और बाकी प्लेयर हैं वो उनके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग विकेट है, यहाँ पे ज़्यादा बॉलर्स को सपोर्ट मिलने वाला है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके ऑल आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर लाइनअप में यहाँ पे टॉस का कुछ हेर फेर होता है उस हिसाब से हम टीम क्रिएट करेंगे, बट अभी के लिए जो हमारी फाइनल टीम यही रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं बैटिंग सेक्शन में यश सिंह, यश यादव, यश अरुण, अश्विन, PS कुमार, अपराजित, SS कुमार, भाटी, शाह, चक्रवर्ती, सेम प्लेयर रहेंगे, कुछ प्लेयर यहाँ पे चेंजेस हैं, और यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंजेस हैं, यहाँ पे अश्विन को मैंने कैप्टन बनाया है, अपराजित को यहाँ पे VC बनाया है। ये हमारी GL की टीम टू है, इससे भी जाके आप यहाँ से हमारी 39 वाली लीग जो है जिसमें 20% बोनस यूज हो रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस अदर यहाँ पे ग्रैंड लीग चल रही है उसको भी ज्वाइन करके खेलना स्टार्ट कर दे। यहाँ वीडियो में मैंने आपको दो GL की टीम, एक स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड की, जिससे आप स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट प्लस GL के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, तो जाकर फटाक से ज्वाइन कर लो और खेलना स्टार्ट कर दो। उम्मीद है मैंने आपको जो भी स्टेट्स प्रोवाइड किए वो आपको विन करने में हेल्प करेंगे, अगर हेल्प करेंगे तो वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।